हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही कशोदन। तो आज मैं लेके आई हूँ हेयर कलर स्ट्रिप कैसे करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बैरिना का जो ये कलर है और ये A16 लाइटर कलर है और ये हेयर कलर क्रीम है। तो किस तरह से करते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें ये भी दिया हुआ कि करने का तरीका, किस तरह से मिक्सिंग करेंगे, किस तरह से लगाएंगे। तो मैं आपको किस तरह से करते हैं ये आपको मैं बताने जा रही हूँ कि क्रीम जो डिब्बे में होता है हाइलाइटर ट्यूब कलर, वो किस तरह से करते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो गाइस मैंने, आप देख सकते हैं मैंने गैप गैप करके, जिग जैग करके मैंने पूरे जो है कि हेयर को निकाल लिया है। जो मेरे क्लाइंट हैं उनको सिर्फ बाहर बाहर ही चाहिए और उनको सिर्फ कैसे जूड़ा बनाती हैं तो जूड़े में बाहर बाहर से हाईलाइट की स्ट्रिप दिखनी चाहिए, पट्टी दिखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जिग जैग करके, गैपिंग करके पट्टी निकाल ली है। देख सकते हैं आप, एक पट्टी निकाली थी, बीच में गैप है, फिर मैंने निकाली है, फिर गैप है। इस तरीके से आपको बाहर बाहर का साइड साइड का चारों तरफ से निकाल लेना है, ऊपर से ही आगे से पीछे तक। बाकी बीच का जो हेयर है उसको आपको इस तरह से सेक्शन पिन से या क्लचर से आपको फोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको खोल करके दिखा रही हूँ उसको कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें देख सकते हैं आप गैस की, इसमें क्रीम है और ये है डबला पेपर, 12% का है जो 40-40 डिग्री का डबला पेपर है। और ये है कंडीशनर गैस, ये कंडीशनर है और ये डबला पेपर है और क्रीम है। और इस ब्रश और बाउल लगता है मिक्सिंग के लिए। और इस तरह से जो है कि सिल्वर कॉइन पेपर हम लेते हैं जिसमें जो है कि हम स्ट्रिप लगा के फोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रिप के जैसे कट करके रख लिया है। तो कितना स्ट्रिप करना है उस हिसाब से कट करके रख लिए हैं। और गाइस इसको जो है कि क्रीम है, क्रीम को मैं पहले खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पीछे जो है ये कैप है, कैप के पीछे इस तरह नोक के जैसा रहता है और इसको फोल्ड करके, इसको उल्टा करके जो है कि ट्यूब को खोलने के लिए उल्टा करके लगाएंगे तो खुल जाता है। इस तरह से देख सकते हैं खुल गया है। और जितना ज़रूरत है, जितना क्रीम की ज़रूरत है, जितना हेयर में आपको लगाना है उस हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो मैं पीछे के हेयर जब स्ट्रिप लगाऊंगी तो मैं हाफ़ निकाल ली हूँ, फिर मैं आगे का जब लगाऊंगी तो मैं हाफ़ एक साथ नहीं बना के रखना है क्योंकि ये इसका टाइम रहता है, उसके अलावा ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो ये ख़राब हो जाता है। तो उसको आपको जितना ज़रूरत है उतना बनाना है। तो मैंने अपने पीछे के जो अकॉर्डिंग था, ईयर से ईयर का जो हेयर मैंने लिया था उसी अकॉर्डिंग मैंने हाफ़ हाफ निकाल लिया है। हाफ़ मैंने ट्यूब कलर निकाल लिया और हाफ़ मैंने यहाँ पर डबलो पेपर निकाल लिया है, 40 वॉल्यूम निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं ग्लव्स पहन रही हूँ हाथ में, इस तरह से ग्लव्स, रबड़ वाले ग्लव्स आते हैं, इस तरह पहन के हाथ में। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैं पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि क्रीम और डबल पेपर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे सिल्वर कॉइन पेपर पे मैं पहले इस तरीके से लगा दे रही हूँ कलर को, इस तरीके से कि जो नीचे स्ट्रिप में रखती हूँ, जो हेयर रखती हूँ तो उस पर नीचे से भी अच्छे से हाईलाइट कलर बहुत अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह लगा रही हूँ, ये आपको फॉलो करना है। और मैं आपको दो तरीके से करके बताऊँगी सिल्वर कॉइन पेपर किस तरह से फोल्ड कर सकते हो। तो आप, मैं दिखाने वाली हूँ इस तरीके से, हाफ़ इंच आपको हेयर को नीचे से छोड़ना है, छोड़ के फिर जो है को इस तरह से स्ट्रिप को रखना है और इसके बाद में स्ट्रिप अच्छे से रख के इसके ऊपर क्रीम लगाना है। इस तरीके से जो मिक्स किया है प्रोडक्ट को उसको अच्छे से जो है पूरे हेयर में स्ट्रिप पर लगाना है। अब प्रोडक्ट को अच्छे से लगाना है, कम नहीं लगाना, नहीं तो हेयर को इस तरह से नीचे का जो हेयर है ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। उसी में मैं सिलो करके लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है कि आप अच्छे से समझ सको। और इस तरीके से नीचे भी अच्छे से लगा देना है। क्रीम आपको अच्छा लगाना है, कम लगाएंगे तो हाईलाइट कहीं कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो आपको एक तरीका ये भी है फोल्ड करने का, इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हाफ मोड़ देना है। और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं।
जो छोटे छोटे हेयर हैं नीचे उसको नहीं रखना है, जो बड़े हेयर में जिसको मैं लगाना है वो बड़े हेयर में ही लगाना है आपको, छोटे छोटे बारीक हेयर में नहीं लगाना है। तो इस तरीके से क्रीम को अच्छे तरीके से लगाना है। जो नीचे पे हाई हेयर छोटे छोटे हेयर रहते हैं, बेबी हेयर रहते हैं, उसको आपको स्ट्रिप पट्टी में नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है, नहीं तो वो हाईलाइट करने के बाद जब हाईलाइट हो जाता है तो बहुत गंदा लगता है। तो आपको सिर्फ जो बड़े हेयर आपने निकाला है बस उसमें ही आपको लगाना है, और नहीं वैसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे हाफ मैंने पहले फोल्ड कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं किस तरह फोल्ड कर रही हूँ, हाफ मैं पहले फोल्ड कर ले रही हूँ, उसके बाद हम साइड से अभी फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो तरीका है इसी तरीके से मैं ज़्यादा करती हूँ, जब भी मैं हाईलाइट कलर करती हूँ तो मैं इसी तरीके से ज़्यादा फोल्ड करती हूँ। तो आपको अगर कंफर्टेबल हो लगे तो वो करो, नहीं तो ये लगता है तो ये करो, पर ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से लगाना है और फोल्ड करना है। और इसमें जो कलर का टाइमिंग दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, पर फ्रेंड्स कलर को डार्क करना है, ज़्यादा डार्क कलर लाना है तो थोड़ा ज़्यादा रुकना चाहिए। और 30 मिनट दिया हुआ है लेकिन मैं इसमें कम से कम 50 मिनट तक जो है कि मैंने रोक के रखा है कलर, इसको मैं 50 मिनट के बाद जो है कि निकालने वाली हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, कोम से भी आप पलटी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा के पूरी स्ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा इस तरीके से, यहाँ से आप देख सकते हैं पहले मैंने पूरी स्ट्रिप लगा ली है, कंप्लीट कर ली है साइड साइड से, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है इनको साइड साइड से ही जो है कि करना था ताकि ये जूड़ा बनाएंगे तो वो ऊपर ऊपर जो चेक होके दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। और इसको कलर जो है कि कलर को बीच बीच में चेक करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं कलर इतना आ चुका है। और डार्क कलर चाहिए तो आपको ज़्यादा टाइम रुकना है, और लाइट कलर चाहिए तो आप आधे घंटे में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कंप्लीट हो गया है, आ गया है कलर। तो इसको मैंने जो है कि 50 मिनट रोक के रखा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गया है, मेरे क्लाइंट को जितना चाहिए उतना कलर आ गया है। तो अभी इस तरीके से मैं बाउल में देख सकते हैं आप, मैंने पानी लिया है बाउल में और इसको मैं क्लीन कर दूँगी। इस तरीके से स्ट्रिप स्ट्रिप जिस जो पहले लगाया हो वो पहले क्लीन करना है, और जैसे जैसे आपने लगाया है वैसे वैसे निकालना भी है आपको। अभी इसमें मैंने पहले लगाया था तो मैं इसको निकाल ली हूँ, और जो मैं बाद में लगाई हूँ उसको मैं चेक करके फिर निकालूँगी, चेक करूँगी फिर क्लीन करना है। इस तरह से निकालना है, क्रीम को इस तरह से खींच के और दो तीन बार
पानी में हेयर को डुबा के क्लीन कर लेना है ताकि क्रीम अच्छी तरीके से निकल जाए। और मैं इसको देख लास्ट में इसको बाद में मैं लगाई हूँ तो मैं इसको दिखा खोल के इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे कलर हो गया है। इस तरह से चेक करना है, उसके बाद ही आपको क्लीन करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कलर आ गया है तो मैं हटा रही हूँ। अगर कलर नहीं आया तो फोल्ड कर देना चाहिए आपको। तो इसी तरीके से पूरी स्ट्रिप आपको खोलनी है और वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो भी लगाई थी स्ट्रिप निकाल दी है और टॉवल से जो हेयर है वो टॉवल से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद में अभी हम इसमें हेयर ड्राई करेंगे। इसको मैं पहले ड्राई कर ले रही हूँ टॉवल से ताकि इसमें पानी सूख जाए। इसको उसके बाद मैं इसको हेयर ड्रायर कर से सुखा दूँगी। हेयर ड्रायर से 100% सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर से कोम कर लेना है। अब देख सकते हो मैं कोम करके आपको दिखा रही हूँ। स्ट्रिप पतली ली हूँ लेकिन कोम कर रही हूँ इसलिए आपको चौड़ी दिख रही है, लेकिन स्ट्रिप मैंने पतली लिया है और एक साथ कोम कर रही हूँ। अभी जब बंधेगा तो अलग अलग हो जाएगी स्ट्रिप, जब भी अंबोड़ा बनाएंगे तो। अब देख सकते हैं इस तरह से पतली कोम से करेंगे तो पूरे लाइनिंग सब अलग अलग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पतली कोम से कोम कर रही हूँ। मैं आपको लपेट के दिखाती हूँ जोड़े को। जो मेरे क्लाइंट हैं इनको इस तरीके से बांधना है तो मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से स्ट्रिप स्ट्रिप आया है पर इनको टाइट जुड़ा खुद से बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप से बना रही हैं। तो आप देख सकते हैं आप एकदम स्ट्रिप स्ट्रिप अलग अलग लग रहे हैं। इनका रोज का हेयर स्टाइल ऐसा ही रहता है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है मेरा हाईलाइट वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।